अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। गुज़श्ता रोज शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली और सईद अहमद ने रावलपिंडी में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत पाई। पंजाब पुलिस के इन बहादुर जवानों को सलाम जिन्होंने अपना आज हमारे कल्ब पर कुर्बान कर दिया। कार सवार ने लिया गलत यू टर्न और हुआ हादसे का शिकार, अपने साथ दूसरे का भी किया नुकसान। हर रोज कई अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर अपनी कीमती जानें गवा बैठते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी में ही आफियत है। चनियोट पुकार 15 पर ड्यूटी कॉल करने पर शहरी गिरफ्तार। गुलाम मुर्तजा ने पुलिस को नामालूम मुलजमान के खिलाफ डकैती की इतला दी। ड्यूटी इतला देने पर सरफराज के खिलाफ थाना भवाना में मुकदमा दर्ज। शहरी एहतियात करें वरना ड्यूटी इतला पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। रेस्क्यू 15 पर ड्यूटी कॉल्स करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आरपीओ रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक, डीपीओ अटक सैयद शहजाद नदीम बुखारी के अहकाम। अच्छा शहरी होने का सबूत देते हुए ड्यूटी कॉल्स करने से गुरेज करें। अलाका थाना जंडवाला में अंधे कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने कमसिन लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। डीपीओ भक्कर ने पुलिस अफसरान में नकद अनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। चकवाल के इलाका तलागंग से ताजिर अगवा। ताजिर को 3.5 करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया था। चकवाल पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करवाकर बैनुल इजलाई गैंग के 6 अगवाकारों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन डीजी खान में तबादला और रिटायर्ड होने वाले पुलिस ऑफिसर्स के एजाज में तकरीब। डीपीओ सरफराज ने ट्रांसफर और रिटायर्ड होने वाले एहलकारों को नए ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। डीपीओ सरफराज ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। डीपीओ सरफराज का कहना था कि तबादले नौकरी का हिस्सा होते हैं, जहां रहें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दें। उकाड़ा थाना गोगेरा पुलिस की कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम शाहिद से 1100 ग्राम चर्स और मुलजिम उस्मान से 16 लीटर शराब बरामद। अदाकारा नादिया जमील चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की खैर सगाली सफीर तैनात। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि नादिया जमील उन्हें बरतानिया में बच्चों के हवाले से बेहतरीन इकदाम करने में मदद फराहम करेंगी। उन्होंने कहा है कि नादिया जमील अवाम में एक मकबूल चेहरा है और लोग इनकी बात सुनते हैं। इनके जरिए चाइल्ड प्रोटेक्शन की वर्किंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।